मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फिफ्थ ईयर में, अभी 22 साल का हूँ मैं। यूक्रेन में 5 साल से पढ़ रहा हूँ मैं। किस तरह की स्थिति वहाँ पर पैदा हुई और किस तरह से आपको अहमदाबाद लाया गया? भारत सरकार ने गंगा प्रोजेक्ट के तहत वहाँ से फ्लाइट, अभी मैं खुद टाइम ले रहा हूँ क्या हुआ क्या नहीं वो समझने में, क्योंकि मैं उस हालत में था ही नहीं कि मैं सब कुछ समझूँ। तो अभी मैं घर लौटा हूँ आज इतने टाइम बाद ऐसी परिस्थिति में से, तो मैं अभी थोड़ा टाइम अपने लिए लेके समझूंगा और फिर शांत दिमाग से सोचूंगा कि क्या था और क्या नहीं। स्वदेश आगमन हुआ है अहमदाबाद में, माँ भूमि पर आगमन हुआ है, क्या लगता है, कैसा आप फील करते हो? अभी सांस तो लेने दो तो फील कर पाऊंगा। कैसा लग रहा है आपको, माता पिता खुद आए आपका आगमन? अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने बहुत टाइम से मैं सोया नहीं हूँ अच्छे से, तो अच्छे से सोऊंगा तो मेरा दिमाग अच्छे से चलेगा। आपके साथ हजारों स्टूडेंट अभी भी फंसे हुए, आज युद्ध का 10वां दिन है, वहाँ स्थिति भयंकर से भयंकर हो जा रही है, भारत सरकार हर कदम संभव प्रयास कर रही है? नहीं, भारत सरकार नहीं कर रही हर संभव। भारत सरकार ने आज तक ऐसा गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सभी स्टूडेंट को अहमदाबाद लाने की व्यवस्था की है, क्या आप उसके तहत नहीं आए हो? मैं उसके तहत आया हूँ, लेकिन बहुत कोशिश और दरख्वास्त करने के बाद, क्योंकि ये हमारी सुनने में नहीं आ रही थी। भारत सरकार ने गंगा प्रोजेक्ट के तहत हजारों स्टूडेंट को अहमदाबाद लाने की व्यवस्था की है और अनेक फ्लाइट रसिया से यूक्रेन में भेजी है, चाहे वो खार्की हो, कीव हो या अन्य रोमानिया शहर हो। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। न्यूज़ फ्लाइट सिर्फ वेस्ट में भेजी गई थी, जहाँ हालात बहुत बिगड़े हुए वहाँ फ्लाइट्स कोई आई ही नहीं है, क्योंकि वहाँ परिस्थिति ही नहीं थी फ्लाइट्स आने की, एयरपोर्ट्स उड़ा दिए थे, रास्ते बिखरे हुए थे, बिल्डिंगें गिरी हुई थी, तो वहाँ आने के चांसेस ही नहीं थे। तो हमें खुद अपने से खुद हमें बॉर्डर पार करनी पड़ी और बॉर्डर पार करने के बाद हमें फ्लाइट मिली है। कितने दिनों तक आपने बॉर्डर पार की, कितने दिन तक? हमें चले? 3 दिन लगे बॉर्डर पार करने में। खाने खाए पीजे भी ना चले आप? हाँ। और क्या बताना चाहोगे वहाँ के आपके साथी स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल मुश्किल स्थिति में फंसे हुए, उनके माँ बाप की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके अहमदाबाद आने की या तो भारत में आने की, इसे कितने स्टूडेंट दिखे होंगे आपने? मेरे खुद के दोस्त अभी वहाँ अटके हुए हैं, मैं निकल गया क्योंकि मैं नज़दीक रहता था स्टेशन के, बॉर्डर के, मतलब वहाँ से निकलने के, और वो लोग फंस गए और वो लोग अभी तक वहाँ पे हैं और वो लोग होपफुली वापस आ जाए जल्दी। बहुत अच्छा लग रहा है अपने वापस घर आने का, लेकिन वहाँ पर परिस्थिति बहुत मुश्किल थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे, लोग मर रहे थे, अपने घर घुमा रहे थे, अपना धंधा घुमा रहे थे, अपने बच्चों के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो परिस्थिति बहुत ख़राब थी वहाँ। स्थिति बहुत बुरी थी, आप न्यूज़ में देख तो रहे हो कि युद्ध में तबाही मचती और कुछ नहीं होता, तो खुशी का तो माहौल था ही नहीं, तबाही मच रही थी, बिल्डिंगें गिर रही थी, लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे, खाने पीने के लिए सुपर मार्केट्स में लाइन लगी थी, खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, ATMs में पैसे नहीं थे, बैंक्स में लाइन लगी थी बस, और ठंड में लोग गहरा परेशान हो रहे थे। मैं चल नहीं रहा था, मैं बंकर में रहा था और मैं मेट्रो में रहा था, सबवेज में, अंडरग्राउंड। भारत के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, 18,000 से ज़्यादा भारत के स्टूडेंट्स यूक्रेन में है, और मेरे शहर में होंगे 5-6 हज़ार जितने। मैं आभारी हूँ भारत सरकार का ये कदम उठाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे आगे भविष्य में कहाँ मुझे पढ़ना है। अगर रशिया वापस कर लेता है यूक्रेन से समझौता, तो मैं वापस जाने के मेरे चांसेस है, लेकिन पता नहीं, अभी देखा जाएगा जो होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आशा रखो, प्रार्थना करो, जितना हो सके लोगों को मदद करो, जितनी छोटी से छोटी चीज़ों में तुम मदद कर सकते हो वैसे करो, लेकिन कुछ करो, क्योंकि अभी ये युद्ध और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो तबाही सिर्फ यूक्रेन की नहीं पूरी दुनिया की मचेगी, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब फट सकता है, क्या पता। तो इसीलिए आवाज़ उठाओ अपनी, कुछ करो। आप बताइए कैसा लग रहा है, आपका लड़का अहमदाबाद आया है, सीमा की कोई बात नहीं आनंद की? देखो, इसमें बच्चा अपना घर लौटता है युद्ध में से, तो अच्छा तो लगता ही है माँ बाप को, मगर उसके लिए कोई खुशी की कोई बात तो होती है, मगर वो मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ आपके पास हाथ में मीडिया से, मगर मेरी बहुत खुशी है। आपके लड़के के साथ कई लड़के और भी है भारत के, जो अभी भी आज युद्ध के 10वें दिन भी वहाँ पर फंसे हुए, उनके माँ बाप की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरा लड़का वापस वतन। मैंने भगवान से ये प्रार्थना किया है, मेरा बच्चा जैसे आ गया उसका सभी के बच्चे आ जावे सेहत सलामत, मैं यही भगवान को प्रार्थना करता हूँ, मोदी साहब को प्रार्थना करता हूँ।
ये थे अक्षत गढ़वी के पिता और माता श्री, जो बता रहे थे कि 10 दिन की खूबज विकट परिस्थिति के बाद आज वो